This is the best video if you're preparing for FMC course. In this video, we'll be discussing all the hacks that can improve your FMC interview. Why is FMC interview so important? Starting में 20 लाख बच्चे होते हैं, उनमें से सिर्फ 1500 से 2000 ऐसे बच्चे होते हैं जो FMC इंटरव्यू को बुलाया जाता है। उन बच्चों में से सिर्फ 500 से 1000 बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे FMC के सारे मेडिकल टेस्ट में फिट होते हैं। अब उन सिलेक्टेड बच्चों में से जो मेडिकली फिट है, उनमें से सिलेक्ट करने का काम होता है FMC इंटरव्यू में। वहां पे इंटरव्यू स्टूडेंट्स को मार्क्स देते हैं। इंटरव्यूज मार्क्स दे सकते हैं 10 में से या तो 2 या 3 मार्क्स दे सकते हैं, फिर 10 में से 7 या 8 मार्क्स दे सकते हैं। तो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरव्यूज के मार्क्स पे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाट मेक एफएमसी इंटरव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफएमसी सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ दीपक, करेंटली सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट पीटीजे एमएमसी रायपुर। आई वाज अवार्डेड बीडब्ल्यू रैंक ऑफ 17 इन द एफएमसी स्क्रीनिंग 2021। दिस वीडियो विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑल द आंसर्स रिटन बाय एफएमसी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स प्लस रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएमसी स्क्रीनिंग अटेंड करी बट कुड नॉट मेक इट टू एफएमसी। क्या है उनकी तरफ से टिप्स, कैसी रन चाहिए एफएमसी इंटरव्यू, एंड माय ओन एफएमसी स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस, इन सभी के बेसिस पे ये वीडियो रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग एंड इन डिटेल, व्हाट शुड यू वेयर फॉर एफएमसी इंटरव्यू। ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, बट इसका आंसर काफी सिंपल है। एक्चुअली ड्रेसिंग डजंट मैटर मच, बट अगर तुम अच्छी ड्रेस पहनते हो इट गिव्स यू प्लस मार्क्स, बट एक सिंपलिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब अगर बात करूं बॉयज के लिए, तो एकदम ऐसे मन के नहीं जाने कि शर्ट पैंट पहन लिया, ऊपर से कोट लगा ली, यस आज तो मेरी शादी ऐसे जा रहा है, तो मैं फॉर्मल रहना है। मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल मत जाना कि शर्ट पहन ली, नीचे पैंट पहन लिया, ऊपर से कोट लगा लिया। एक शर्ट पहनो, नीचे एक पैंट पहनो, शूज पहनो और एक टाई लगा लो। दिस इज कम्प्लीटली गुड एंड विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड एस मेनी से यू कैन चूज योर शर्ट कलर एज पर योर डिफेंस सर्विस। मतलब तुम्हें एयरफोर्स पसंद है तुम लाइट ब्लू कलर पहन सकते हो, अगर तुम्हें आर्मी पसंद है ऑलिव ग्रीन पहन सकते हो, अगर तुम्हें नेवी पसंद है तो व्हाइट कलर पहन सकते हो। बट अगर तुम्हें इन तीनों में ज्यादा कुछ अभी मालूम नहीं है, एक सिंपल व्हाइट कलर की शर्ट पहन लो, नीचे एक डार्क कलर की पैंट पहन लो और शूज पहन लो, दिस इज कम्प्लीटली फाइन। इसके अलावा सिर्फ ड्रेसिंग मैटर नहीं करती है, तुम्हारी हेयर स्टाइल और बाकी मस्टेज से मैटर करता है। अपना हेयर कट कटा के जरूर जाना, दैट विल गिव एन आर्मी लुक। इसके अलावा तुम चाहो तो क्लीन शेव कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बिना क्लीन शेव के काफी बढ़िया रहता है, बट हेयर कट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा हेयर कट आपको अच्छे मार्क्स जरूर दिलाएगा। एंड फॉर गर्ल्स जस्ट बी सिंपल, जैसे मैंने कहा तुम्हारी ड्रेसिंग ज्यादा मैटर नहीं करती है, जस्ट मैटर करता है जो तुम अंदर से हो उसे वहां जाकर दिखाओ। क्यों तुम्हें एफएमसी क्यों चाहिए तुम वहां जाकर दिखा सकते हो, दैट्स मच मोर देन इनफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रेसिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्री इंटरव्यू में। प्री इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट आपका मेन इंटरव्यू, बट प्री इंटरव्यू की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। प्री इंटरव्यू में आपके सारे सर्टिफिकेट्स को देखे जाते हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको देखा जाएगा। इसके अलावा एक टाइप से रहता है कि अगर आप इंटरव्यू जा रहे हो उस बारे में नर्वस नहीं हो, इसलिए आपको प्री इंटरव्यू रहता है। वहां पर जाओ, थोड़ी सी बातें करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो सीधा बात करते हैं मेन इंटरव्यू की। उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें हॉल के अंदर जाने से पहले कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट, हमारे फैमिली में कोई भी डिफेंस सर्विस से रिलेटेड है तो तुम्हें उसके बारे में सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। उनकी क्या रैंक है, उनकी क्या पोजीशन है, तुम वो कहाँ कहाँ जा चुके हैं, वो क्या काम करते हैं, मतलब उनकी क्या ड्यूटी है मेनली, आपको उसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। कौन से केवी स्कूल में तुम पढ़ चुके हो, कौन से सिटी में तुम घूम चुके हो, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल तुम्हें मालूम रहना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास रहने चाहिए। सारे सर्टिफिकेट जो भी तुम्हारे पास है उसे लेकर आ जाओ, घर पे रखे किसी काम का नहीं है, तुम यहाँ पर लेकर आओगे काफी यूजफुल रहेगा। पर जो सर्टिफिकेट्स तुम्हारे स्कूल लेवल के हैं मोस्टली उन उसको वैलिड नहीं मानते हैं। तो सर्टिफिकेट्स तुम्हारे स्कूल के ऊपर लेवल के, मतलब जोनल लेवल के, फिर स्टेट लेवल के, या फिर अगर तुमने कंट्री में उसे रिप्रेजेंट किया है, अगर तुमने ओलंपियाड से पार्टिसिपेट किया, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, स्पेशली अगर तुमने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसे काफी ज्यादा मानते हैं। इसके अलावा अगर तुमने एनसीसी किया है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो भी काफी ज्यादा पॉइंट दिलाएगा तुम्हें एफएमसी इंटरव्यू में। तो इस सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हें लेके आना, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में काफी मदद करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी तुमने अब तक किया है, जो तुम्हारी अचीवमेंट्स है, मतलब तुम जैसे क्लास 12 तक पढ़े अपने स्कूल में, अगर तुमने ड्रॉप लिया तो ड्रॉप वाला ईयर है, इतने साल में जो भी तुमने अचीवमेंट्स करी है उन सबको अपने फिंगर से बाहर काउंट कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में तुम इन पॉइंट्स को बताने वाले हो। ये पॉइंट्स कुछ भी सकते हैं, तुमने कोई भी इंटर्नशिप अटेंड करी है, कुछ भी अलग से किया है जो कि तुम्हारी पढ़ाई से अलग से था, तुम सारे पॉइंट्स को अपने फिंगर में बाहर काउंट कर लो। फिर अंदर चर्चा में तुम्हें अपने फिंगर को जस्ट काउंट करोगे तो तुम वहां जाकर बता पाओगे, तो तुम अंदर जाकर भूलोगे नहीं। जैसे कि मैंने दो इंटर्नशिप अटेंड करी थी, 5 days इंटर्नशिप रही थी, जिसमें पूरे इंडिया के टॉप साइंटिस्ट आते थे और हमें कुछ सेमिनार्स दिखाते थे, बट ये मैं वहां जाकर बताना भूल गया था क्योंकि मैंने बाहर इसे काउंट नहीं किया था। तो ये आइडिया काफी ज्यादा यूजफुल है अपने बाहर में बस काउंट करने अपने फिंगर्स में, कौन सा तुम अंदर जाकर बताने वाले हो ताकि तुम अंदर जाकर भूलो ना। जब वो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछेंगे, फिर क्या क्या तुमने अचीव किया इसके बारे में पूछेंगे, तो तुम इन पॉइंट्स को बता सकते हो। तो ये थी सारी कहानी इंटरव्यू हॉल के बाहर की। अब एंटर करते हैं इंटरव्यू हॉल के अंदर। सबसे पहले तुम्हारे सामने एक गेट रहेगा, तुम इस गेट को ओपन करोगे। गेट को ओपन करने के बाद डायरेक्ट अंदर मत घुस जाना, मतलब तुम्हें पहले परमिशन लेनी, जैसे स्कूल में परमिशन लेते थे वैसे परमिशन लेके अंदर आना। और गेट खोलने के बाद तुम इंटरव्यू से कैसे दिखते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टेक अ सिनेरियो, मान लो तुमसे पहले कोई बच्चा गया, उसका इंटरव्यू कैसे भी गया, अच्छा गया होगा, बुरा गया, कैसा भी गया होगा, इंटरव्यू से उसको मार्क्स दे दिया, कुछ फिर से बंद कर दिया, उसकी फाइल पे तुम्हारी फाइल ओपन करी, उन्होंने तुम्हारा नेम रीड किया और फिर वहां से तुम एंटर करते हो। तुम्हारा नेम रीड किया, उन्होंने उनके माइंड में एक इमेज आई और फिर उस इमेज को सामने वो देख रहे हैं, तो फर्स्ट इंपैक्ट पड़ता है। तुमने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कुछ भी।
तो ये एक्चुअली मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा जब इंटरव्यू तुम्हें देख रहे होंगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना, मतलब ऐसे काफी ज्यादा स्माइल मतलब ना कि बहुत ज्यादा ऑड लगे, एक स्माइल रखना और एक कॉन्फिडेंस रखना है ताकि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा पड़े। फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग वॉक लेते हो अंदर, पहले परमिशन लेना, परमिशन लेकर तुम बोलेंगे अंदर आ जाने, परमिशन लेके अंदर आना, सामने एक चेयर रहती है, सिर्फ एक चेयर रहेगी बैठने के तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लेफ्ट हैंड बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। मैं तुम्हें सिनेरियो बता रहा हूँ, और तुम्हारे सामने टेबल रहेगी और सामने सारे इंटरव्यूज बैठे रहेंगे, तुम्हें सारे इंटरव्यूज को देखने की जरूरत नहीं, मतलब एनालाइज करना, मतलब जाने क्या क्या चीज है क्या क्या है। एक परमिशन हो सीट में बैठने के लिए, फिर वेट करो जब बोलिंग सीट में बैठ जाने के लिए, तुम सीट में बैठ जाओ। अब तुम अपनी सीट पे आराम से बैठ चुके हो, जस्ट टेक यू ब्रेथ एंड रिलैक्स, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए तुम एफएमसी सीढ़ी में इतनी दूर आयो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सबसे पूछा जाता है वो रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में बताओ। अब तुम्हें इसमें अपने बारे में बताना है, बट तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बताना है, तुम्हारा आंसर शॉर्ट एंड स्वीट रहना चाहिए, मतलब तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना है, मतलब तुम्हारे आंसर में इतना रहना चाहिए कि तुम्हारा नाम रहना चाहिए, तुम कौन सी प्लेस से हो प्लेस रहनी चाहिए। अगर तुम्हारा स्कूल काफी ज्यादा फेमस है तो तुम अपने स्कूल बता सकते हो, मतलब आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 12 फ्रॉम दिस स्कूल। इसके अलावा तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। इसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ को इस आंसर में इंक्लूड मत करना, प्लस अगर तुम्हारी फैमिली में कोई डिफेंस सर्विस रिलेटेड है तो उसको तुम लोग इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है कि Why you want FMC? इसमें तुम्हारा ओन आंसर रहना चाहिए, जो भी तुम्हें लगता है तुम्हें FMC में क्यों चाहिए वो तुम आंसर खुद से दो, इसमें मैं कुछ ओपिनियन नहीं दूंगा। जो भी तुम्हें लगता है, जो भी तुम्हारा रियल रीजन है, या फिर तुम पहले से आर्मी बैकग्राउंड से थे एंड यू वांट टू कंटिन्यू दिस, सो यू कैन सी दिस आंसर ऑल्सो। जो भी तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे वो आंसर दे सकते हो। यू कैन बी वेरी ओपन, जस्ट बी सिंपल, और बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो सभी से पूछा जाता है वो रहता है टेल मी अबाउट योर हॉबीज, मतलब तुम पढ़ाई के अलावा क्या एक्स्ट्रा करते हो, और स्पेशली फोकस रहना इस पॉइंट पे कि तुम जो भी बोलने वाले हो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसके ऊपर डिटेल में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। तो तुम अगर क्रिकेट बोलते हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बोलते हो, तुम क्रिकेट, सिंगिंग, फुटबॉल कुछ भी बोल सकते हो, जो भी तुम्हारी हॉबी तुम करते हो उसके बारे में जस्ट बता दो। अगर तुम चेस खेलते हो तुम चेस के बारे में बता दो। अगर मैं बात करूँ क्रिकेट के बारे में, तुमसे क्रिकेट में पूछ सकते हो कि इस साल का आईपीएल किसने जीता था, आईपीएल में कितनी टीम्स होती है, चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार टाइटल जीता है, ऐसे सारे क्वेश्चन तुमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड जो पॉइंट मैंने इंक्लूड किया, अगर तुम्हारी फैमिली से कोई डिफेंस से रिलेटेड है तो उसके बारे में तुम्हें साइंटिफिक मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन जरूर आएंगे, जिस भी सिटी में रहते हो उसके बारे में क्वेश्चन जरूर आएंगे। और एक क्वेश्चन जो एक सबसे पूछा जाता है कि तुम कौन से प्लेस में रहते हो, उस प्लेस की कुछ खास बात बताओ, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से था तो उसके बारे में क्या खास बात है, तुम्हें क्या अच्छी लगती है वो बताओ, और तुम इतनी दूर से जब पुणे आए हो तो पुणे में तुम्हें क्या अच्छा लगता है तो उसके बारे में बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चन तुमसे पूछ जा सकते हैं। अगर तुम पुणे में भी जा रहे हो तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है उसके बारे में बता सकते हो, और जो तुम्हारा नेटिव प्लेस है उसके बारे में तुम पूछ सकते हो कुछ, तुम्हारे नेटिव प्लेस के आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बारे में जान लो थोड़ा सा, तुम्हारे नेटिव प्लेस की क्या खास बात है उसके बारे में जान लो थोड़ा, क्या घूमने की जगह है, क्या खाने की चीज़ें जो अच्छी होती है वो उसके बारे में थोड़ा जान लो, और तुम्हारे जो स्टेट है उसके आसपास के थोड़े जो स्टेट्स हैं नेबरिंग स्टेट्स उनके बारे में जान लो, और कुछ चीज़ें अपने स्टेट के बारे में जान के जाना, क्योंकि आजकल थोड़ी सी जनरल नॉलेज पूछी जा रही है। स्पेशली जैसा रिव्यू था इस साल के स्टूडेंट की, जिन्होंने इस साल का इंटरव्यू दिया है उनका रिव्यू ऐसा था कि इस साल कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, इसको किसने स्टार्ट किया था, ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। जब तुम्हारा नीट एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हें काफी टाइम मिलता है, अराउंड 1 month मिलता है, तो इस टाइम पे अपनी थोड़ी सी जनरल नॉलेज इंक्रीज कर लेना, जो भी तुम्हारी हॉबी है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना, अगर तुम डिफेंस रिलेटेड हो तो अपने बारे में, जो भी तुम्हारी पर्सन है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना। ये सारी चीज तुम कर सकते हो नीट एग्जाम खत्म होने के बाद, तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम होगा, बट नीट एग्जाम से पहले इस सब में फोकस मत करो, सिर्फ मेन फोकस करो नीट के एग्जाम में। इसके अलावा इंटरव्यू में और ज्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट बी सिंपल और अपने आप को ज्यादा ट्रूथ रखना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो इंटरव्यू बैठे हैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंसड है, उन्होंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू पहले से लिया हुआ है, तो बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, जो भी बोलोगे सच बोलना और एकदम सिंपल रहना, ज्यादा तुम्हें ओवर एक्टिंग नहीं करनी। एंड बिफोर लिविंग वो जो कहते हैं उन्हें सिंगिंग पसंद है, फिर उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, फिर उन्हें पोएट्री पसंद है, सो बी रेडी, तुम्हें वहाँ पे बोलने को जरूर कहा जाएगा, मतलब अगर तुम्हें पोएट्री पसंद है तो वहाँ पे पोएम सुनाने को बोला जाएगा, या फिर अगर तुम्हें सिंगिंग पसंद है तो वहाँ पे तुम्हें गाना गाने को कहा जा सकता है, या फिर अगर तुम्हें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो वहाँ पे बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तुम वहाँ पे बजा सकते हो ताकि उन्हें काफी अच्छा लगे और तुम्हारा एक इंटरेक्शन का बार बढ़ जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, अगर तुम सीख सकते हो अपने नीट एग्जाम के बाद तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो, जो तुम वहाँ जाकर बजा सकते हो, बट इट इज नॉट वेरी कंपलसरी, बट अगर तुम वहाँ बजाते हो तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। सो ये होता है इंटरव्यू गेट्स ओवर, बट द लास्ट थिंग इज लेफ्ट, तुम कैसे हॉल को लीव करते हो, उन्हें एक विश करना, फॉर एग्जांपल थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कुछ भी तुम बोल सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, या फिर नेट में तुम सर्च कर लो, ऐसा कुछ बोल करके वहां से फिर लीव करना। पोस्टर में क्या होता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक बॉल रखा रहता है, तुम बहुत से चॉकलेट्स रहते हो, कहते हैं कि इनमें से कुछ चॉकलेट्स ले लो, तो सही है, मस्त चॉकलेट उठाओ और बाहर आ जाओ, बट अपना पूरा हाथ धरते चॉकलेट में उठा लेना, बस धीरे से मस्त बाहर आ जाओ और तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ पे खत्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरव्यू, बस अच्छी तरह कॉन्फिडेंस में सारे आंसर्स करना, पेशेंट रहना, अपने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आराम से सुनो और फिर एक कॉन्फिडेंस में आंसर करो, बी ट्रूथ एंड योरसेल्फ, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका आंसर तुम्हें नहीं मालूम होगा, कुछ क्वेश्चन बाउंसर आएंगे तो तुम्हें थोड़ा डक करना है, या तो बोल सकते हो सॉरी से मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, तुम आराम से बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा बात करूँ लैंग्वेज के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं,
इफ एमसी इंटरव्यू में या फिर किसी भी इंटरव्यू में तुम आराम से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जिस लैंग्वेज में तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस लैंग्वेज को यूज करो। अगर वो इंग्लिश है तुम फ्लुएंटली बोल सकते हो तो पूरी इंग्लिश बोलो, अगर वो हिंदी है तो पूरी हिंदी बोल सकते हो, या फिर तुम दोनों को मर्ज कर सकते हो। अगर तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज उतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है तो हिंदी को ही प्रेफर करो, काफी अच्छा रहेगा। सो हियर इज द एंड फॉर दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प्स यू। अगर तुम एफएससी स्ट्रीम के लिए सिलेक्ट होते हो तो होप दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प्स यू, ताकि तुम्हारा इंटरव्यू काफी अच्छा जाए और तुम डेफिनेटली सिलेक्ट हो। अगर तुम मेडिकली फिट रहते हो, बाकी चीजों में अच्छा करते हो तो तुम डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल दी स्टूडेंट जो एफएससी से रिलेटेड है, एफएससी स्ट्रीम अटेंड करने वाले, अगले साल उससे अगले साल अटेंड करने वाले, उनको वीडियो जरूर शेयर करो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम। आपके साथ में तो जल्दी किसी और वीडियो में, डू लाइक दिस वीडियो, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।